हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं फ्लेम कार्ड की। थोड़ा सा सीधा कर लेता हूँ फ्लेम कार्ड की। कुछ मैंने ऑर्डर किए थे और फोटोज़ फ्लेम कार्ड में ऐसा होता है कि हम जब स्कैन करेंगे तो कुछ वीडियो प्ले वगैरह होगी। और साइज़ क्या है इसकी, ये टोटल कॉस्टिंग इसकी आई थिंक 2000 रुपीज़ के आसपास है। आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, 2000 रुपीज़ के आसपास है। तो हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं किस तरीके के वीडियो इसमें प्ले होते हैं। फ्रेंड्स, हम अनबॉक्सिंग करते हैं फ्लेम कार्ड को। जो इसकी कॉस्टिंग मैंने बताई थी यहाँ पर आपकी 1999 है, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कटिंग किया हुआ है पहले से, पता नहीं चेक किया हुआ है कि क्या हुआ है। देख रहे हो इस तरीके से टेप एक्स्ट्रा लगाई गई है, प्रॉपर टेप लग रही है। ऐसा लग रहा है पहले से खोल चुके हैं, देख रहे हो, ये पहले से खुला हुआ लग रहा है। कटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके सामने ही अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। प्रॉपरली पूरा खुला हुआ लग रहा था, मतलब पता नहीं किस तरीके से उन्होंने टेस्टेड किया है कि क्या किया है, रीपैक करना चाहिए। यार देखा टीयर फ्रॉम हियर, ये तो ऑलरेडी पहले से टीयर है, तो कहाँ से हम करें, ठीक है। तो फ्लेम कार्ड पहले हम निकाल लेते हैं। ओके, ये सारे कार्ड्स हैं जो फोटोज़ वगैरह हैं, और इसमें बताया गया है कि हम किस तरीके से हम अपडेट 3D वीडियो ऑडियो फ्लेम कार्ड किस तरीके से हम वीडियो इसमें डाल सकते हैं। वैसे बाय द वे, ये हमारा जो ऑर्डर्स रहता है हमारे जहाँ से हम एप्लीकेशन के थ्रू ऑर्डर करते हैं फ्लेम एप्लीकेशन के थ्रू, तो उसमें ऑलरेडी ये ऑर्डर्स में दिखाता है कि आप वीडियो भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का फिलहाल एनीवेज रख सकते हो। वीडियोज आप चेंज करोगे तो आपकी वीडियो चेंज होके दूसरी प्ले होगी। तो फ्रेंड्स, अनबॉक्सिंग होने के बाद इस तरीके के हमारे कुछ कार्ड दिखते हैं, आप देख रहे होगे। कार्ड की क्वालिटी की बात करूँ, ऐसे लग रहे थोड़े से कार्डबोर्ड टाइप का पेपर है और थोड़ा अच्छा भी है, अच्छी क्वालिटी का है। बट ये फोटो की तरह शाइनिंग नहीं होने वाला है, मतलब रफ है। और इसको जब आप स्कैन करोगे आप अपने एप्लीकेशन में, तो यहाँ पर आपको लगेगा कि कुछ प्ले हो रहा है, जो भी आप वीडियो आप डाले रहे होगे, ठीक है। आप इस वीडियो को चेंज भी कर सकते हो फ्लेम एप्लीकेशन में जाने के बाद। वहाँ पर चेंज ऑप्शन का एक वो ऑप्शन आता है, वहाँ पर आप क्लिक करिए तो आप चेंज कर सकते हो। क्वालिटी इज गुड, रफ नहीं है, पीछे से कुछ ज़्यादा रफ है। यहाँ पर आप कुछ लिख विख सकते हो या फिर यहाँ पर कुछ भी फोटोज स्टिक कर सकते हो, ऐसा कुछ दिया गया है। आई डोंट नो किसके लिए, जिसके लिए भी आपको यूज करना कर सकते हो। तो इस तरीके का फ्लेम कार्ड का क्वालिटी है, ठीक है, अच्छा है 2000 रुपीज़ के हिसाब से। अब इसको हम जब प्ले करेंगे तब देखेंगे कि कैसा होता है। तो फिलहाल अनबॉक्सिंग के लिए इतना ही, बहुत कुछ है, बाकी आप ऑर्डर कर सकते हो अपनी चॉइस के हिसाब से। और आई थिंक सो वैल्यू ऑफ मनी प्रिंटिंग एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि उन लोगों का जो इस तरीके का पैनल बनाने का तरीका है वो थोड़ा कॉस्टली हो सकता है, बट 2000 रुपीज़ के हिसाब से 10 खाली फोटोज देना और वीडियो प्ले होना वर्थ नहीं लग रहे। फ्रेंड्स, एक बात बताना भूल गया था, फ्रेम के जो कार्ड होते हैं, अगर आपका जो रजिस्टर्ड कॉन्टेक्ट नंबर है वही कॉन्टेक्ट नंबर से आप लॉग इन करके आप अपने कार्ड को स्कैन कर सकते हो। आपका फ्रेंड अगर आपके कार्ड को स्कैन करके आपकी वीडियोस देखना चाह रहा है तो ये बिल्कुल नहीं होगा। आप ही का कॉन्टेक्ट नंबर से लॉग इन करना पड़ेगा और उसी के कॉन्टेक्ट नंबर से आपको देखना पड़ेगा। मतलब लॉग इन भी आपका ही होना चाहिए, कार्ड भी आपका ही होना चाहिए। आपका फ्रेंड्स बिल्कुल आपको नहीं देख सकता है अगर वो आपका कार्ड लेके गया है घर पे, या फिर आपने उसको गिफ्ट कर दिया है और लॉग इन आईडी उसकी अलग है और आपकी अलग है और कार्ड आपने उसको सेंड किया, तो बिल्कुल वो आपकी वीडियो नहीं देख पाएगा। तो फ्रेंड्स, फ्लेम का कार्ड अगर आप गिफ्ट करते हो तो इस चीज़ का जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि वो स्कैन नहीं कर पाएगा, वीडियो देख नहीं पाएगा, तो वो चीज़ का मतलब नहीं रहेगा। आई थिंक सो 999 इज इनफ फॉर दिस फोटोज। 2000 रुपीज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इसके लिए, डबल कॉस्टिंग लग रही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।